कि सुबह लमसम 8 बजे के आसपास हम लोग को सूचना मिली कि देवरिया के रुद्रपुर तहसील के फतेहपुर गांव के ये लेहड़ा टोले में एक वारदात घटित हुई है, जिसमें बताया ये गया कि एक पक्ष के एक आदमी का तुरंत डेथ हुई थी और बाकी 6 लोग पुलिस को अनकॉन्शियस स्टेज में मिले थे। तो जिनको हम लोग ने देवरिया मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किया, तो वहाँ डॉक्टर ने जब उनका एग्जामिनेशन किया तो उसमें शायद 5 लोगों की डेथ बताई जा रही है। और मैटर जो ये बताया जा रहा है, शायद एक पुरानी रंजिश को लेके है। तो एक पुराना जमीनी विवाद था जिसमें सत्यप्रकाश दुबे के भाई थे साधु दुबे, उन्होंने अपने हिस्से की पूरी ज़मीन जो है प्रेम यादव जी को बेची थी। और प्रेम यादव जी उस ज़मीन पर काबिज थे, जिसका मैटर लमसम आज से 7-8 साल पहले शॉर्ट आउट हो चुका था। और चूंकि इसमें अटैक पर डेथ हुई है, बाद में एक रिटेलिएशन हुआ, उस रिटेलिएशन में बाकी घटना बताई जा रही है। अभी एग्जैक्ट कुछ भी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, हम लोग उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और जैसे ही हम लोग को फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आप लोग को सूचित कोई करेंगे। गिरफ्तारी वगैरह भी हुई है? अभी हम लोगों ने एक पक्ष से एक गिरफ्तारी की है और बाकी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। ये जंगलराज तालिबानी शासन चल रहा है, ये पूरी तरीके से अपने जो अपने लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ज्यादातर घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। दो पक्षों में शुरुआत तो सुबह हुई, अगर उसी टाइम रोक लिया जाता तो शायद इतनी मौतें ना होती। बता तो रहा हूँ कि ये लगातार सरकार के संरक्षण में, सरकार के जनप्रतिनिधियों के द्वारा संरक्षण में चीजें की जा रही है। मंत्री के घर में हत्या होती है, अभी तक उनके बेटे पर कार्रवाई हुई हम ये जानना चाहते हैं। और विधायक के घर में हत्या होती है, उसको आत्महत्या दिखाई जाती है। भाजपा के नेता के द्वारा घनश्याम तिवारी की हत्या ड्रिलर मशीन से होती है, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो उसी का नतीजा है कि कौसामी में 3 हत्याएं हुई, आज देवरिया के अंदर जमीन विवाद। अगर इसको रोक दिया जाता सरकार चेत जाती, सरकार पूरी तरह से विफल है। ये देवरिया हत्याकांड बहुत दुखद घटना है और जो हम लोगों को जानकारी है कि इस जमीनी विवाद की जानकारी देवरिया की स्थानीय पुलिस को पहले से थी। अगर पुलिस को पहले से विवाद की जानकारी थी तो पुलिस ने क्या किया? ऐसी स्थिति क्यों बनी? पहले एक पक्ष में हत्या हो जाती है, फिर वो पक्ष दूसरे पक्ष की हत्या कर देता है। तो कहीं न कहीं देवरिया के इस हत्याकांड ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की सच्चाई देश के सामने रख दी है। उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, जंगल राज है। कोई किसी की जमीन कब्जा कर सकता है, कोई किसी की हत्या कर सकता है। उत्तर प्रदेश में एक भी थाना और एक भी तहसील ऐसी नहीं है जहां बिना पैसे लिए किसी फरियादी की बात सुनी जा रही हो। पूरा सरकारी तंत्र, पूरा सरकारी महकमा और खुद सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। बिना पैसे के किसी का कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए, संजीव बालियान जी भारतीय जनता पार्टी के मूल मंत्र पर काम कर रहे हैं और बीजेपी का मूल मंत्र क्या है? नफरत, बंटवारा। जब महंगाई पर बात नहीं कर पा रही है बीजेपी, बेरोजगारी पर बात नहीं कर पा रही है, किसान के मुद्दे पर बात नहीं कर पा रही है, तब उन्होंने
ये तय किया कि हम नफरत फैलाएंगे, बंटवारे की बात करेंगे। आप बंटवारे की बात कर रहे हैं, बीजेपी के लोग बताएं 9.5 साल से दिल्ली की सरकार में आप हैं, 7 सालों से उत्तर प्रदेश की सरकार में आप हैं, आपने मेरठ के लिए क्या किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए क्या किया। सिर्फ किसानों को आप दंगाई कहेंगे, आतंकवादी कहेंगे, नक्सलवादी कहेंगे, उन पर लाठियां चलवाएंगे और उसके बाद जब जनता के बीच जाएंगे, जब कोई जवाब नहीं है तो बंटवारे की बात करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, नफरत और बंटवारा।